मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हो BongVoyager EcoScape आप लोगों का अपना चैनल। दोस्तों BongVoyager EcoScape आप लोगों के सामने पेश कर रहा है और एक नया वेब प्रोग्राम जिसका नाम है ePaathShaala। दोस्तों ePaathShaala में हम हर रोज आप लोगों के सामने नया नया टॉपिक को लेकर आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे कि BongVoyager EcoScape आप लोगों के साथ जुड़ा है वीडियोग्राफी, वीडियोस और यूट्यूब के जरिए, तो हम लोगों को ये लगता है, BongVoyager को ये लगता है, क्यों ना हम लोग वीडियोग्राफी के ऊपर हम लोगों का पहला एपिसोड शुरू करें। लेकिन वीडियोग्राफी इतना आसान चीज़ नहीं है। वीडियोग्राफी को जानने के लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को फोटोग्राफी जानना जरूरी है, तो इसीलिए 3 एपिसोड हम फोटोग्राफी के ऊपर बनाएंगे और 2 एपिसोड हम वीडियोग्राफी के ऊपर बनाएंगे, और ये 5 एपिसोड में हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए मैं प्रवेश आपका मेंटर गाइड, और मेरे साथ आपको थोड़ा सा फोटोग्राफी का ज्ञान शेयर करते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये एक नॉलेज शेयर जगह है जहाँ पर हम लोग पहले फोटोग्राफी के ऊपर कुछ बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले एपिसोड ePaathShaala में आप सभी का स्वागत है, और चलिए फर्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम तो सभी फोटोग्राफी करते हैं DSLR के साथ, पॉइंट टू शूट कैमरा के साथ, और सेलफोन के साथ तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को मालूम है फोटोग्राफी क्या है? व्हाट इज फोटोग्राफी? सो व्हाट इज फोटोग्राफ? फोटोग्राफ दो वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, एक है फोटोस और एक है ग्राफ। इन लैटिन फोटोस या फोटोन को बोलते हैं लाइट, और ग्राफ को बोलते हैं स्केच। सो फोटोग्राफ स्केच है एक या पेंटिंग है जो लाइट के द्वारा किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोग्राफी बोलते हैं। फोटोग्राफी का जन्म हुआ बहुत साल पहले, जब कैमरा का आविष्कार जस्ट होने जा रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले जो लोग रहते थे, राजा महाराजाओं रहते थे, वो लोग अपना तस्वीर बनाने की बहुत शौकीन थे। वो तो तस्वीर बनाते थे, लेकिन बहुत इजीली तस्वीर बनाना इतना आसान नहीं था, बहुत वक्त लग जाते थे। तब क्या हो, उन लोगों के जहन में आया कुछ ऐसा कुछ तरीका हो कि हम इजीली एक फोटोग्राफ या एक तस्वीर को हम बना सके, पेंटिंग को बना सके, तो कैसा? तो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, दूर का कोई एक सिनेरियो या किसी का इमेज को एक ट्रांसल्यूशन पेपर के ऊपर ढांचने की सोची, और वो ठीक ही था, उन्होंने कर भी लिया। अब वो उसको देखकर बाहर से आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद एक इंप्रेशन आ जाता था, फिर उसको लेकर वो पेंटिंग करते थे। थोड़ा सा आसान था, लेकिन एज यू नो द नेसेसिटी इज अ फर्दर ऑफ इन्वेंशन, इसलिए उसको फिर डेवलप किया एक क्लोज बॉक्स के अंदर, लाइट टिक बॉक्स के अंदर थ्रू पिन होल के थ्रू पे लाइट को भेजा गया, और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसल्यूशन पेपर उन्होंने यूज किया फोटोग्राफिक प्लेट, और तभी वहां पर कैमरा का जन्म हुआ। फर्स्ट कैमरा है कैमरा ऑब्सक्यूरा। उसके बाद बहुत दिन गए, डेवलपमेंट होता चला गया, और फ्रॉम फ्रेम कैमरा वी आर यूजिंग द DSLR। डिजिटल युग में हम पहुंच गए और हम डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा कैमरा के बारे में हिस्ट्री में बता दिया, और अभी थोड़ा सा कैमरा कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैमरा? मैं जो कैमरा हाथ में लिया हूँ, ये है D7000, निकॉन का है, कोई भी ऐसा हो सकता है, ये D7000 है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली के लिए 3 महत्वपूर्ण हिस्सा होता है,
एक होता है कैमरा का लेंस, कैमरा का बॉडी, और जिसके अंदर रहता है कैमरा का सेंसर, या जो फोटोग्राफी फिल्म हम बोलते हैं वो रिप्लेस हुआ है कैमरा सेंसर, और है आपका शटर। विदाउट शटर मे बी यू कैन डू एनीथिंग। तो ये हो गया कैमरा का बेसिक। क्या होता है, ये है लेंस, अब देख रहे हो ये है लेंस। लेंस के थ्रू लाइट आते हैं, और यहाँ पर ही है इनका एपर्चर। लेंस अगर मैं निकाल दूँ, मैं नेक्स्ट या दूसरे एपिसोड में मैं पूरा कैमरा के ऊपर डिटेल्स में ले लूँगा, एक प्रोग्राम या वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल आप देख लो, ये है कैमरा का बॉडी, ये दिस थिंग्स, इसको लेंस बोलते हैं, ठीक है। आई एम यूजिंग द 35mm प्राइम लेंस। प्राइम लेंस, फिक्स लेंस क्या है, जूम लेंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो और ये है शटर। ये शटर दबाने से अंदर एक कर्टन रहता है, वो कर्टन गिर जाने के बाद लाइट आकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर टकराते हैं एंड वी गेट द पिक्चर। ये है लेंस। लेंस के यहाँ पर अपर्चर होते हैं। इफ आई मेक दिस थिंग्स आई कैन गेट दैट, आई गेट द अपर्चर, राइट। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैमरा। तो थोड़ा बहुत आपको कैमरा मैंने आपको लोगों को दिखा दिया, इसके ऊपर नेक्स्ट में मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, फोटोग्राफ का इंफॉर्मेशन मिला, कैमरा का भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन ये फोटोग्राफ अच्छा है या उतना अच्छा नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे? फोटोग्राफ अच्छा या बुरा ये डिसाइड करता है उसका क्वालिटी और उसका डिटेलिंग। एक फोटोग्राफ में अगर ज़्यादा डिटेलिंग रहा तो उसे हम बेहतरीन फोटोग्राफ बोलेंगे। तो ये डिटेलिंग एक्चुअली होता क्या है, वॉट इज फोटोग्राफिक डिटेलिंग? फोटोग्राफ डिटेलिंग का मतलब होता है तीन चीज, एक फोटोग्राफ में तीन चीज जरूर रहेगा। एक होगा शैडो पार्ट, एक होगा हाईलाइट पार्ट, और एक होगा डार्क पार्ट। इन तीन चीजों को अगर इवनली हम देख पाए तो उसको हम बोलेंगे अच्छा या प्रॉपरली एक्सपोज फोटोग्राफ। तो एक्सपोज फोटोग्राफ, इतना सब्जेक्ट एक्सपोज सही तरीके से हुआ के लिए, इसका मतलब एक्सपोजर। तो सो टू गेट अ गुड क्वालिटी फोटोग्राफ वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपोजर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जान लेते हैं एक्सपोजर क्या है। सो व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर इज नथिंग बट हाउ लॉन्ग आर लाइट गेट कॉन्टैक्ट विथ द फोटोग्राफिक प्लेट और सेंसर। लाइट को फोटोग्राफिक सेंसर के ऊपर कितने देर तक रहा, यही एक्सपोजर है। अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो उसको हम ओवर एक्सपोज बोलते हैं, अगर कम होगा तो उसको अंडर एक्सपोज बोलेंगे। सो ऑप्टिमल एक्सपोजर से ही एक अच्छा तस्वीर बनते हैं, लेकिन इस ओवर या अंडर एक्सपोजर को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है कैमरे का ही तीन चीज, जिसका नाम है एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एक अच्छा एक्सपोजर या अच्छा फोटोग्राफ बनाने में। तो चलिए हम एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सो व्हाट इज एपर्चर? एपर्चर क्या है? एपर्चर इज अ टाइनी होल इन अ कैमरा थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द कैमरा एंड गेट कॉन्टैक्ट विद द फोटोग्राफिक प्लेट और सेंसर। इस एपर्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर से, उसको हम एफ नंबर बोलते हैं। तो ये एफ नंबर है क्या? कैमरा के आगे एक लेंस होता है और उसका एक फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ को अगर हम डिवाइड करते हैं एपर्चर के डायमीटर से, यानी इस होल के डायमीटर से, वी गेट अ नंबर, दैट इज कॉल्ड एफ नंबर। इस एफ नंबर का अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो इस कैमरा के अंदर रोशनी या लाइट कम पहुंचती है। अगर इस एफ नंबर का वैल्यू छोटा हो या कम हो तो उसमें लाइट ज़्यादा पहुंचती है और हम बोलते हैं एपर्चर पूरा खुला हुआ। मिसाल के तौर पे F1.8 is a fully open aperture of a lens that gives you a maximum light of particular that lens. Similarly, उसी लेंस में अगर F22 है aperture, उसका मतलब इसका light यहाँ पे कम है और you will get the lesser amount of light.
more the F number, less light, and smaller the F number, you'll get the more light. अब आते हैं शटर स्पीड के बारे में. What is shutter speed? कैमरा में लाइट का कॉन्टैक्ट फोटोग्राफिक प्लेट या सेंसर के साथ कितना देर तक रहेगा ये डिसाइड करता है शटर स्पीड. अगर 100 ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड हम डालें उसमें जितना लाइट होगी उससे बहुत कम होगा 1/200 ऑफ सेकेंड शटर स्पीड में. 1/100 ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड को हम बोलेंगे स्लो शटर स्पीड और 1/200 ऑफ शटर स्पीड ऑफ सेकेंड को बोलेंगे फास्ट शटर स्पीड. एक फोटोग्राफ के नज़रिया से, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सिचुएशन के नज़र से कौन सा शटर स्पीड हम यूज़ करेंगे ये डिसाइड करता है एक फोटोग्राफर. अगर फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करते हैं उसको फ्रीज करने के लिए, और या स्टैटिक में हम उसको कैद करने के लिए हम स्लो शटर स्पीड यूज़ करते हैं. ये सब चीज़ मैं हम बाद में बताएंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. फिलहाल शटर स्पीड यही है, यहीं पर भी वही लागू होता है. अपर्चर शटर स्पीड हो गया. अब चलते हैं आईएसओ के बारे में. आईएसओ क्या होता है? आईएसओ होता है फिल्म स्पीड या सेंसर का रिएक्टिविटी टाइम. इसका मतलब क्या है? लाइट जब सेंसर के साथ टकराते हैं तब उस सेंसर का लाइट के ऊपर सेंसिटिविटी कितना है. इफ आईएसओ रीडिंग कम है इसका मतलब कैमरा स्लो है लाइट के ऊपर. अगर आईएसओ रीडिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब कैमरा फास्ट है या कैमरा का सेंसर फास्ट है टुवर्ड्स लाइट. लो आईएसओ लाइक 550, 100, 200 इज प्रेफरेबल इन ब्राइट लाइटिंग कंडीशन, वेयर एज हायर आईएसओ लाइक 400, 800, 1600 इज बेटर इन लो लाइट कंडीशंस. हाउएवर इज बेटर टू कीप योर आईएसओ लो एल्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग नॉइस इन द पिक्चर. तो ये रहा आपका तीनों चीज़, एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, जो कि हमारे पूरे एक्सपोजर को कंट्रोल करती है. इन तीनों को एक साथ हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं या एक्सपोजर ट्रायंगल. इन आपस का एक रिलेशन करके ही हम एक्सपोजर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं. मतलब हम पिक्चर को हाई अंडर एक्सपोज कर सकते हैं या पिक्चर को ओवर एक्सपोज कर सकते हैं. तो इसको जानने के लिए हमको और एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है स्टॉप. तो चलिए स्टॉप क्या है वो जान लेते हैं. एफ स्टॉप इन फोटोग्राफी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लाइट दैट गेटिंग एंटर इनटू द कैमरा इज हाफ और डबल्स. कैमरा के अंदर लाइट जब पहुंचती है वो आधी होती है या दुगनी होती है. इसी को हम स्टॉप बोलते हैं कैमरा की लैंग्वेज में या फोटोग्राफी के लैंग्वेज में. यानी वन स्टॉप अंडर एक्सपोजर का मतलब होता है वहाँ पे लाइट आधी हो जाएगी, या वन स्टॉप ओवर एक्सपोजर का मतलब होता है वहाँ पे लाइट का अमाउंट डबल हो जाएगी. इसी को ही हम एफ स्टॉप कहते हैं. अब एक्सपोजर का जो तीन ट्रायल है या ट्रायंगल है, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को पैरामीटर, किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करके हम एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, इस जाहिर है. तो चलिए एक फुल स्टॉप स्केल में कैसे ये दिखता है वो हम देख लेते हैं इस स्लाइड के अंदर. दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप स्केल दिखाया गया है और यहाँ पर कंसिडरेशन एपर्चर है. दो एपर्चर को अगर हम कंसिडर करते हैं, F18 और F5.6, तो हम देखेंगे कि F18 में लाइट आधी है और F5.6 में लाइट डबल होती है, और ये ट्रू है किसी भी दो एपर्चर को हम कंसिडर करेंगे. सो मोर द एफ नंबर लेस लाइट एंड स्मॉलर एफ नंबर मोर लाइट. दोस्तों इस स्टॉप स्केल का असर ठीक इसी तरह शटर स्पीड के ऊपर भी पड़ता है. यानी 1/1000 ऑफ अ सेकेंड में लाइट कम है और ज़्यादा होगा 1/1500 ऑफ अ सेकेंड में.
दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम आईएसओ को वन स्टॉप से कम कर देते हैं तो लाइट आधी हो जाती है, और अगर वन स्टॉप बढ़ा देते हैं तो डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आईएसओ रीडिंग 200 को अगर हम घटाकर 100 कर देते हैं तो 100 में कम लाइट होती है और 200 में ज़्यादा। दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं ये तीन चीज़, और कोई भी फोटोग्राफ को इन तीन चीज़ों के जरिए हम जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी फोटोग्राफ को इन तीन पैरामीटर के कॉम्बिनेशन को लेकर जाहिर किया जा सकता है, और इसे एक्सीफ या एक्सपोजर वैल्यू बोलते हैं, जैसे कि ये वाला पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर एपर्चर दिया गया है f2.8, शटर स्पीड है 1/250 ऑफ अ सेकेंड और आईएसओ है 200। दोस्तों कैसे लगा हमारा आज का ये ई पाठशाला का पहला एपिसोड? अगर अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो जो फोटोग्राफी के ऊपर जानना चाहते हैं डेफिनेटली इसको अब शेयर करना, और अभी तक जिसने हमारे चैनल BongVoyager EcoScape को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया उन्होंने बेल बटन को ज़रूर दबाइए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। कल हम कैमरा का कुछ सेटिंग्स और चेकलिस्ट ऑफ द सेटिंग्स बिफोर एनी ऑफ द फोटोग्राफिक सेशन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों को BongVoyager EcoScape का ये वे प्रोग्राम ई पाठशाला अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कल आप सभी के साथ हमारा मुलाकात होगा नया एक एपिसोड में। तब तक के लिए प्रवेश को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू।